नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नज़र आने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मलिष्का अपने अलग ही रूप दिखाती हुई नज़र आ रही। मलिष्का ने बोल दिया है कि लक्ष्मी को बचाने की ज़रूरत क्या है, ऋषि जो अपनी जान खतरे में डाल रहा है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि वाकई में जिस तरीका से लक्ष्मी ने इस समय कोशिश की थी नीलम की जान बचाने की, लेकिन वो खुद इस समय बहुत बड़ी दुविधा में फंस चुकी है। और मलिष्का को लग रहा था कि लक्ष्मी को बचाने की ज़रूरत ही क्या पड़ रही है, क्योंकि दोस्तों लक्ष्मी को तो वो चाहती है कि ये बचे ही नहीं। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से इस समय ऋषि सही समय पर आ गया और उसने वाकई में लक्ष्मी को बचा लिया। और बचाने के बाद में जो इस समय कहानी घटित हो रही है, वो कहानी कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है, बल्कि इस समय घने ही ज़्यादा बड़ी कहानी के रूप में देखने को मिल रही है। आप लोग जानते ही हैं कि सभी लोग इस समय बेहद ज़्यादा टेंशन में चल रहे हैं, क्योंकि जो हो रहा है वास्तविक वो भी बेहद ज़्यादा बुरा होता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस समय सभी लोगों का मानना यह है कि जो हुआ है वो भी गलत हुआ है, और जो हो रहा है वास्तविक वो भी बेहद ज़्यादा गलत होता हुआ ही नज़र आ रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में कहानी एक नहीं बल्कि समय कई बेहद ही दिलचस्प रूप लेती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लक्ष्मी की जान ऋषि बचा तो लेंगे, लेकिन ऋषि एक चीज़ और बोलते हुए नज़र आएंगे मलिष्का से कि मलिष्का मेरे और लक्ष्मी के बीच में कभी भी तुम किसी भी तरीका का इंटरफेयर मत करना, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगता कि तुम किसी भी तरीका का हमारे बीच में इंटरफेयर करती हो, क्योंकि तुम्हारी औकात क्या है लक्ष्मी को बुरा भला बोलने की, क्योंकि लक्ष्मी ने आज तक तुम्हें किसी भी तरीका से टॉर्चर नहीं किया, किसी भी तरीका से सताया नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद भी तुम लक्ष्मी के हमेशा विरुद्ध ही खड़ी नजर आती हो, ऐसा क्यों करती हो। आप लोग जानते हैं कि समय मलिष्का को खरी खोटी सुनाने का अलग ही साथ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें। थैंक यू।